स्वागत है आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने प्रश्न कुंडली की श्रृंखला में ये आठवां वीडियो लेकर हाजिर हूँ, जहाँ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि संतान संबंधी प्रश्न का विचार वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार कैसे करते हैं। वैसे मजा आएगा, आपको इंतजार कीजिए। कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा भी संतान का विचार कैसे करते हैं, इसका सेपरेट सीरीज में शुरू करूंगा, तब मैं सिर्फ केपी होरारी के बारे में बताऊंगा। तो दोनों रूल्स आपको समझ लेने होंगे। प्रश्न कुंडली जो भी मित्र सीखना चाहते हैं मेरी इस सीरीज को अगर देखेंगे तो वो प्रश्न कुंडली से जवाब कैसे दिया जाता है सीखने में कामयाब रहेंगे, जहां तक मेरी सोच है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि प्रश्न कुंडली में संतान संबंधी प्रश्न में महत्वपूर्ण है लग्न और लग्नेश। ये लग्नेश है, ये लग्नेश है बुध, और पंचम भाव तथा पंचमेश। तो ये शुक्र पंचमेश है। यहाँ देखना क्या है आपने, लग्नेश अगर मान लीजिए पंचम भाव में आके बैठा है या पंचमेश लग्न भाव में जाके बैठा है तो भी संतान प्राप्ति आपको होगी, ऐसा हम कह सकते हैं। यहां कंफर्म के लिए और चीज एक देखनी है आपने, वो है चंद्रमा का लग्न बुध के साथ इत्थसाल योग या पंचमेश शुक्र के साथ इत्थसाल योग, ये देखना है आप कब हो रहा है और इत्थसाल योग हो रहा है कि नहीं, ये देखना है। मिथुन लग्न की कुंडली को चूंकि मैंने उदाहरण बनाया है तो बहुधा बुध और शुक्र एक साथ होते हैं, तो चंद्रमा जब भी इत्थसाल योग करेगा बुध शुक्र अगर एक साथ हुए तो निश्चित तौर पे दोनों ग्रहों के साथ लगभग एक साथ इत्थसाल योग करेगा, तो संतान प्राप्ति के बारे में आप बता सकते हैं कि पूरी पॉजिटिव चांस आपकी कुंडली में बना हुआ है। इत्थसाल योग अगर नहीं बनता है तो आपने कुछ और देखना है, वो देखना ये है कि चंद्रमा मन का कारक है सभी जानते हैं, और चंद्रमा मन को प्रतिनिधित्व करता है कुंडली में, तो चंद्रमा की दृष्टि अगर लग्न स्थान पे पड़े या पंचम स्थान पे पड़े तो भी प्रश्न में सफलता, और चंद्रमा अगर दशम स्थान पे बैठकर या कहीं से भी बैठकर पंचमेश को देखे, क्योंकि इस कुंडली में यहां बैठेगा दशम में तो पंचमेश को सीधी दृष्टि से देखेगा सातवीं दृष्टि से, चंद्रमा की चूंकि सातवीं दृष्टि ही होती है अलग से कोई दृष्टि होती नहीं है, तो पंचमेश को चंद्रमा की दृष्टि प्रदान करना कार्य में सफलता, यानी संतान प्राप्ति के मामले में आप कह सकते हैं कि जातक को सफलता मिलेगी। या चंद्रमा यहां नवम भाव में बैठकर सीधे लग्न को दृष्टि दे, तो लग्न को दृष्टि से ज्यादा महत्वपूर्ण सप्तमेश सॉरी पंचमेश शुक्र पे दृष्टि होना माना जाएगा, और सोने पे सुहागा आप इसको यूं कह सकते हैं कि अगर बृहस्पति की दृष्टि भी अगर आपको मिल जा रही है, जुपिटर की दृष्टि अगर मिल जा रही है, मान लीजिए इस कुंडली में यह जुपिटर अगर नवम भाव में बैठ गया है तो इस जुपिटर की दृष्टि इस कुंडली के अनुसार अगर जुपिटर यहाँ बैठ गया है तो जुपिटर की पांचवी दृष्टि लग्न पे और नवी दृष्टि पंचम भाव पे तथा सातवीं दृष्टि यहाँ बुध पे पड़ रही है, ये बहुत बेहतरीन स्थिति है संतान प्राप्ति के बारे में आप और ज्यादा कंफर्म होके बता सकते हैं। हाँ, बुध की जगह मान लीजिए यहाँ शुक्र होता और बुध यहाँ होता और इस बृहस्पति की दृष्टि सीधे पंचमेश पे पड़ रही होती, तब आप प्रश्न का उत्तर जो है 100% कंफर्म होने जैसा कह सकते हैं कि सारी स्थितियां अनुकूल यहाँ दिख रही हैं। लेकिन अब जरा सा आप रुकिए, समझिए। लग्नेश वक्री नहीं होना चाहिए, पंचमेश वक्री नहीं होना चाहिए, और जुपिटर भी यहाँ वक्री नहीं होना चाहिए। ये जो स्थितियां बन रही हैं इसमें
इन सारे प्रश्नों के दौरान या इन सारे नियमों के दौरान अगर प्रश्न के वक्त बृहस्पति ही वक्री है मान लीजिए, तो एक बात समझ लीजिए कि बृहस्पति संतान का मुख्य कारक होता है। अगर बृहस्पति ही वक्री है तो फिर संतान संबंधी प्रश्न में सफलता नहीं मिलेगी, जितना भी लग्नेश पंचमेश और चंद्रमा का योग बनता रहे। ये बात ध्यान रखनी है आपने, ठीक है। आई होप ये वीडियो अच्छा लगेगा। मैं छोटे छोटे सेशन से आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, एक ही वीडियो लंबा नहीं बना रहा बोरियत से बचने के लिए। तो संतान से संबंधी प्रश्न में हमने कुंडली को कैसे देखना है, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए हैं उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।